अगर तुझ में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े तो तुम सिर्फ एक जंग जीतोगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जीरो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इसी के साथ जानने वाले हैं कन्नाड़ा रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी, और जानेंगे कि इन दोनों ही फिल्मों में किस फिल्म ने मारी है बाजी। तो दोस्तों देखते रहिएगा पूरा वीडियो, शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जीरो के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म शाहरुख खान के लिए डेढ़ सालों बाद आ रही है, क्योंकि डेढ़ सालों से उनकी कोई सी फिल्म नहीं आई थी, और डेढ़ सालों की मेहनत के बाद भी इस फिल्म में कुछ भी देखने को नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को काफी बेकार रिव्यूज मिले हैं। ऑडियंस और क्रिटिक्स को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। जैसा कि मैंने इससे पहला वीडियो बनाया था उसमें मुझे लगा था कि ये फिल्म काफी अच्छे इस फिल्म को काफ़ी अच्छे रिव्यू मिल रहे होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है और इस फिल्म को काफ़ी घटिया रिव्यूज मिले हैं, और ये फिल्म इस साल की बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हो सकती है। दोस्तों इस फिल्म को पहले दिन की ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी ख़राब मिली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी 2.0, उस फिल्म को मात्र 3300 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस फिल्म ने काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी ली थी, लेकिन जीरो को उस फिल्म से भी काफ़ी घटिया रेस्पॉन्स मिला है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को मॉर्निंग शो में मात्र 35 से 40% की ऑक्यूपेंसी मिली है, और इस फिल्म के आधे शो जो टिकट बिक चुके थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। बात करें इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को आज काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी ना मिल पाने के कारण यह फिल्म 22 से 25 करोड़ के अंदर सिमट जाएगी, और ऑल ओवर वर्ल्ड से अगर बात करें तो तेलुगु और तमिल से तो यह फिल्म कमा सकती है 1 से 1.5 करोड़ रुपए। दोस्तों टोटल इस फिल्म का कलेक्शन आएगा ऑल ओवर इंडिया से तो रहेगा तकरीबन 26 करोड़ रुपए का। अब बात करते हैं हम लोग केजीएफ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का काफी दिनों से इंतजार हो रहा था, और इस फिल्म का बज भी काफी अच्छा था। दोस्तों इस फिल्म का प्रमोशन काफी अच्छा किया गया और इस फिल्म को रिव्यूज भी काफी अच्छे मिले। जी हाँ दोस्तों, आज रिलीज होते ही इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यू मिले। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, जहाँ कोई इस फिल्म को 4 स्टार दे रहा है तो कोई 5। दोस्तों सबसे बड़ी बात इस फिल्म के लिए यह हो गई है कि जहाँ इस फिल्म को आज सुबह तक मात्र 1200 स्क्रीन मिली थी, लेकिन जैसे ही जीरो के रिव्यूज खराब आए इस फिल्म की जो स्क्रीन है वो बढ़ा दी गई है, और अब इस फिल्म को 1500 स्क्रीन पर कर दिया गया है रिलीज। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को आज 1500 स्क्रीन मिल चुकी है, और हो सकता है कि यह फिल्म कल तक 2000 स्क्रीन पर रिलीज हो जाए। बात करते हैं इस फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो यह फिल्म हिंदी में 11 से 12 करोड़ रुपए की कमाई करती नजर आ रही है, वहीं अगर कर्नाटका की बात करें तो यह फिल्म वहां से कमा रही है 30 करोड़ रुपए, तमिल और तेलुगु से मिलाकर अगर बात करें तो यह फिल्म कमा रही है 12 करोड़ रुपए, और इसी के साथ इस फिल्म का जो ऑल ओवर इंडिया से कलेक्शन है वो तकरीबन 54 करोड़ रुपए का हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों ही फिल्मों में जहां जीरो है जिसका कलेक्शन मात्र 26 करोड़ हो रहा है, वहीं केजीएफ है उसका कलेक्शन हो रहा है 54 करोड़। तो दोस्तों यहां पर केजीएफ ने एक बड़े अंतर से यहां पर मारी है बाजी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करेगी लाइफ टाइम रन में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।